बड़ी खबर सीधी से है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में युवक के मौत हुई है। प्रजनन के द्वारा लगा बगा गलत उपचार के आरोप और कीन गात जम के हंगामा। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पंचक बता दी कि झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में युवक के मौत से हंगामा मचा। जहां अपना पंचक बता दी कि मधुमक्खी काटे से गंभीर रूप से जख्मी युवक के जो है झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जो है भर्ती करावागा और जौने माँ क्लिनिक के भीतर है जो है युवक के दुखद निधन हो गया। चौने के बाद परिजनन के द्वारा गलत उपचार के आरोप लगावत की जम के हंगामा कीन का सूचना मिलते रामपुर नैकिन थाना पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके युवक के लाश के पोस्टमार्टम कराए के बाद लाश परिजनन का सौंप दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पड़खुरी 587 निवासी श्रीनिवास केवट पिता राम सहाय केवट शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे गाँव माँ मधुमक्खी के झुंड माँ झुंड के द्वारा जो है हमला कई गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उनका कोनो तरह से घर पहुंचाबा गया। परिजनन के द्वारा गांव के झोला छाप डॉक्टर प्रदीप कुशवाहा के क्लिनिक में उपचार करावे खातिर लग गए। कथित डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन के साथ बॉटल लगा दी गया। उपचार के दौरान शनिवार के रात करीब 8:30 बजे जख्मी श्रीनिवास केवट झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में दुखद निधन हो गया। जोड़े के बाद परिजनन के द्वारा झोला छाप डॉक्टर पर गलत उपचार करे के आरोप लगावत की जम के हंगामा शुरू कर दिएगा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा गलत उपचार करे के आरोप लगावागा। आरोप में कहा गया कि कथित डॉक्टर द्वारा मनमानी तौर पर उपचार कीन गया है। अपना पंचक बता दें यह मामला में हमारे संवाददाता शिवेन तिवारी के द्वारा TI अशोक पांडे रामपुर नैकिन से बात कीन गए तो उनके द्वारा कहा गया कि पड़खुरी निवासी श्रीनिवास केवट के गलत उपचार से मौत हुए के मामला सामने आवा है। रामपुर नैकिन थाना में मर्ग कायम करके लाश के पोस्टमार्टम करावे के बाद परिजनन का सौंप दिन गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिले के बाद उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो निश्चित तौर पर समझे कि सीधी माँ झोला छाप डॉक्टर के खुलेआम आतंक देखे मिलत है। हालात यह है कि आए दिन लोगन की जिंदगी छीनी जाती। MP संदेश न्यूज 24 हर बे यह बात जो है प्रमुखता से उठावत है कि सीधी माँ खुलेआम झोला छाप डॉक्टर आतंक मचाए रहे हैं। काहे कि न इनके लगे डिग्री आए न डिप्लोमा आए। हालात यह कि बेचारे गरीब लोगन का बहलाए फुसलाए के मनमाना जो है इलाज कह दे थे जेके चलते कहन कहो जान पर बनियाबत ही। और हालात यह होते कि फिर बहुत देर हो जाती जब उनकर इलाज कह दे थे। तो सीधे तौर पर समझी कोरोना के दौर चल रहा है, झोला छाप डॉक्टर के बिल्कुल सहारा न ली नहीं था आगामी दिनन में हालात बेहद बुरे हो सका थे। प्रशासन का चाहिए कि झोला छाप डॉक्टरन का चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, नहीं ता सीधी माँ यह में गरीबन के साथ जो है जानलेवा यह में बर्ताव होत रही और आखिर गरीब जई तक जई कहाँ। सवाल प्रशासन से है, सवाल वह इंतजामन से है जो दावा करा थे कि हम बेहतरी करी थे। हर जो है ब्लॉकन माँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, वहाँ जाके इलाज ली, डॉक्टर के सलाह ली। यदि जल्दबाजी के चलते जो है गलत इलाज झोला छापन के मथरे हो जाब तो सीधे तौर पर ही अपना खेतिर बेहद जो है कठिन परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।